हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रिजवाना है। आज की मेरी वीडियो है, आप वोटर आईडी को ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से अपनी वोटर आईडी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और चुनाव के दिन जल्द ही नज़दीक आने वाले हैं और गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है कि आप 30 तारीख तक ही अपनी वोटर आईडी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप 18 साल के हो गए हैं या 18 साल से ज़्यादा हैं तो आप अपनी वोटर आईडी खुद अपने मोबाइल से ऑनलाइन बना सकते हैं और चाहे आप अपने फ्रेंड्स के बना लें या रिलेशन में किसी के भी आप बना सकते हैं। और ये है वीडियो उन्हीं के लिए है जिन्होंने अभी वोटर आईडी नहीं बनाई है, तो प्लीज़ बना लें। तो वोटर आईडी बनाने के लिए आपको अपनी वेबसाइट नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पे आपको जाना होगा। यदि आप ऑनलाइन बना रहे हैं तो आप अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर, इस पे जाके आप फॉर्म 6 पे क्लिक करेंगे। तो आपका ये ऑप्शन आ रहा है, देखिए ट्रांसलेट हिंदी में या इंग्लिश में, तो ये हिंदी में है तो हम इसे हिंदी में ही रहने देते हैं। आप राज्य में जाके सिलेक्ट करेंगे आप किस राज्य में रहते हैं। आप यहाँ से अपना राज्य सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना जिला ले सकते हैं और विधानसभा संसद निर्वाचन क्षेत्र यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम, जो आपका नाम है, जो आपको पर्सनल नाम हो आप अपना यहाँ पे नाम फिल कीजिए। आपको जो यहाँ सरनेम है आप यहाँ पे अपना सरनेम फिल कीजिए। आवेदक या नातेदार का नाम, अपने फादर्स या मदर का नाम यहाँ पे डालिए और यहाँ पे फ्रेंड्स हिंदी में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको हिंदी में जाके चूज़ कर सकते हैं। आयु आप अपने यहाँ पे एज डालेंगे, जो आपका एज है 2019 में आप कितने साल के हैं आप यहाँ पे ये डाल सकते हैं। जन्म की तारीख, जो आपनी जन्म प्रमाण पत्र की सर्टिफिकेट में आप यहाँ से डाल सकते हैं। आवेदक का लिंग, जो आपका लिंग हो आप यहाँ से अपना लिंग ले सकते हैं। वर्तमान पता, वर्तमान पता जहाँ आप अभी रह रहे हैं वहाँ की एड्रेस आप इसमें डालेंगे। गली या क्षेत्र स्थान, इसमें आप अपना ये डालेंगे और राज्य संघ, राज्य क्षेत्र आप अपने यहाँ से राज्य का क्षेत्र ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे टेम्परेरी एड्रेस डालेंगे, जो आपका एड्रेस होगा आप यहाँ पे एड्रेस फिल कर दें और यहाँ पे आपका हिंदी में आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस डालेंगे, जो आपका जॉब आप रहते हैं यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए। अगर आपका टेम्परेरी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका टेम्परेरी एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस में आ जाएगा। आप यहाँ पे अपने ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं और नहीं भी डालें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मोबाइल नंबर डालना चाहें तो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं। आप अपनी आपको अपने फ़ोन में कलर फ़ोटो डाउनलोड करने पड़ेंगे और यहाँ से आप अपना जो आपके फ़ोटो हो वो चूज़ कर लें और यहाँ पे कनेक्ट कर दें।
यहाँ पे आपको अपना आयु प्रमाण पत्र लगाना होगा, जो आपका आयु प्रमाण पत्र होगा, पता प्रमाण पत्र, आपको यहाँ पे पता प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। दस्तावेज आप यहाँ से ले सकते हैं, आपको कौन सा लगाना है, पास इंडियन पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक से जुड़ी या राशन कार्ड, आप जो डालना चाहे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे अपना शहर का नाम, राज्य डालें, जो ज़िला है आपका ज़िला डालें, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे स्थान डालें जहाँ आप रहते हैं, और देखिए यहाँ पे तारीख डलेगी, और यहाँ पे आपका जो कैप्चा कोड आएगा आप यहाँ पे कैप्चा कोड पे क्लिक करिए, और ये भेज आप ये भेजे का निशान आ रहा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। आप अपने सारे फॉर्म फिल करने के बाद जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं सारे फिल कर दें और आप यहाँ पे भेजे पे क्लिक कीजिए, तो आपके सामने एक बूथ लेवल का ऑफिसर सामने आएगा और आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा और आपके साइन भी लेगा, और इस तरह आपका वोटर आईडी प्रोसेस हो जाएगी। और फ्रेंड इस तरह आप अपना वोटर आईडी बना सकते हैं, और वोटर आईडी आने में कितना टाइम लगेगा ये तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये सरकारी काम है और इसमें आने में वक्त लगता है। फ्रेंड्स अगर आपने वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाया है तो प्लीज़ 20 तारीख से पहले जल्द ही वोटर आईडी कार्ड अपना बना लीजिए, और आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स थैंक फॉर वॉचिंग, गुड बाय।